सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। साथियों, पीआई की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ऐसी है जिसने हमारे खेत की तस्वीर ही नहीं बल्कि हम किसानों की तकदीर भी बदल दी। इस करामाती उपहार का नाम है बायोवीटा। अब मैं पीआई के वरिष्ठ अधिकारी श्री श्याम का स्वागत करता हूं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बायोवीटा पीआई के अत्याधुनिक व प्रमाणिक अनुसंधान पर आधारित एक अनूठा उत्पाद है जो उत्तरी अटलांटिक सागर में प्राकृतिक रूप से उगने वाली समुद्री घास एस्पोफाइलम नोडोसम से बना है। बायोवीटा की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रमाण कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों ने किया है। बायोवीटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। शुक्रिया श्रीमान। तो भाइयों, अब सुनते हैं बायोवीटा की कहानी, एक खुशहाल किसान की जुबानी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं बलराम आप सबके साथ अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ। पीआई द्वारा निर्मित बायोवीटा से कई वर्षों तक न सिर्फ मुझे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें मिली बल्कि मेरी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बरकरार रही, जिसके लिए मैं पीआई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बलराम भाई, हमको भी अपनी खुशहाली का राज बताओ। अरे मेरी ही नहीं, पूरी गाँव की खुशहाली का राज जानना हो तो हमारे गांव आओ और खुद देखो। गोपाल भैया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? तुमसे तुम्हारी अच्छी फसल का राज जानने आया हूँ। हमारे गांव की फसलें बहुत कमजोर और बेजान होती जा रही हैं। पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है। अरे गोपाल भैया, आप चिंता ना करें, केवल यही है आपकी समस्या का समाधान। बायोवीटा 60 से अधिक प्राकृतिक पौष्टिक यौगिकों का मिश्रण है जो फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखता है। बायोवीटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला असली समुद्री शैवाल से बना उत्पाद है। बायोवीटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बायोवीटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि प्याज की फसल में बायोवीटा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। बायोवीटा का इस्तेमाल हमें प्याज की मुख्य अवस्थाओं में करना चाहिए। किसानों द्वारा प्रयोग की सुविधा के लिए बायोवीटा दो रूप में उपलब्ध है, बायोवीटा दानेदार और बायोवीटा तरल। बायोवीटा दानेदार का प्रयोग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खाद के साथ मिलाकर रोपाई से 10 दिन के भीतर करना चाहिए, जिससे कि रोप जमीन में जल्दी और अच्छी तरह से स्थापित होती है। इसके बाद बायोवीटा का दूसरा प्रयोग बायोवीटा तरल के रूप में 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा से रोपाई के 35 से 40 दिनों के बाद या फसल की वनस्पतिक अवस्था पर करना चाहिए। बायोवीटा तरल के रूप में 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 55 से 60 दिनों के बाद या कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था में करना चाहिए। अब आप अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करो और खुद जानो। अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अरे गोपाल, वाह, तुम्हारी फसल तो बेहतर गुणवत्ता वाली और स्वस्थ है और कंदों का आकार भी ज्यादा मोटा होने के साथ साथ वे ज्यादा चमकदार भी है और कंदों का आकार भी एक समान है। इस दमदार फसल के तो ज्यादा दाम मिलेंगे। मुखिया जी, ये सब तो बायोवीटा का कमाल है। बायोवीटा के प्रयोग से फसलें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों व नमी का अधिक अवशोषण करती हैं, जिससे हमारी फसल अंदर से मजबूत एवं स्वस्थ बनती है तथा विपरीत परिस्थितियों का अच्छे से सामना करती है। बायोवीटा के लगातार प्रयोग से मेरी फसल की क्वालिटी तो अच्छी है ही, मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा है। आजकल एक असली के 100 नकली होते हैं, असली बायोवीटा की क्या पहचान है भाई? बायोवीटा लिक्विड की बोतल पर पीआई के होलोग्राम वाली सील लगी होती है, जबकि बायोवीटा दानेदार के पैक में होलोग्राफिक इफेक्ट दिखाई देता है। फिर भी कोई शंका हो तो पैक पर लिखे टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800-208-1008 पर बात कर लो। अब नए अवतार में बायोवीटा का वादा, सर्वोत्तम उपज, धन धान्य ज्यादा,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिकहट इंडिया चैनल को।